রবিবার 12ই মে ব্যারাকপুরে জনসভায় 5টি গ্যারান্টি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভোট ব্যাংকের এই রাজনীতি সিএএ মতো মানবিক আইনকে ভিলেন বানিয়ে দিয়েছে। সিএএ নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন কংগ্রেস আর তৃণমূলের মতো দলেরা মিথ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। দেশভাগের কারণে পীড়িতদের নিজেদের অধিকার দিতে বিরোধিতা করেছে। নমশূদ্রদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে এরা। এরপরই মোদি বলেন, বাংলাকে 5টি গ্যারান্টি দিচ্ছি। প্রথমত, যতদিন মোদি আছে ধর্মের ভিত্তিতে সংস্করণ দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়ত, যতদিন মোদি আছে তপশিলি জাতি উপজাতি এবং অনগ্রসরদের সংরক্ষণ কেউ শেষ করতে পারবে না। তৃতীয়ত, যতদিন মোদি আছেন রামনবমী পালিত হবে, ভগবান রামের পুজো করতে কেউ আটকাতে পারবে না। চতুর্থত, মোদি যতদিন থাকবে রাম মন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের যে রায় দিয়েছে তা কেউ বদলাতে পারবে না। পঞ্চমত, সিএএ কেউ রদ করতে পারবে না। মোদির সংযোজন আপনারা জানেন, মোদির গ্যারেন্টি মানে গ্যারেন্টি পুরো হওয়ার গ্যারেন্টি। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোনাবো আপনাদের। ये सीएए कानून को खत्म करने तक की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज मैं टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। पांच गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी গ্যারান্টি পুরা হোনে কি গ্যারান্টি। তৃণমূলের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত দল দেশের ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। রবিবার 12ই মে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিং এর প্রচারে মোদি বলেন, কয়েক বছর আগে সিএজি রিপোর্ট থেকে তথ্য মিলেছে, তাতে বলা হয়েছে তৃণমূল সরকার 2,30,000 কোটি টাকার কোনো হিসাব দিতে পারেনি। কি বলছেন শুনব। পিএমজি জেসি ভ্রষ্ট পার্টিয়া हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम दिखती है। यहां जनता खुद नारे लगा रही है, एक एक नागरिक बोल रहा है, चीख चीख करके जनता बोल रही है, चोर धरो जेल भरो, चोर धरो चोर धरो चोर धरो, यानी चोरों को गिरफ्तार करो और उन्हें जेल में डालो। ये नारा
विपक्ष की किसी पार्टी ने नहीं दिया है, ये नारा दिया है बंगाल की जनता ने, आप लोगों ने दिया है। साथियों, मैं एक जानकारी आपको देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। कुछ साल पहले टीएमसी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएमसी सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं दिया है। सीएजी कह रही है 2,30,000 करोड़ रुपए, कितने कितने 2,30,000 करोड़ रुपए, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये पैसे कैसे और कहां खर्च हुए, किसके जेब में गए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। রাজ্য রাজনীতিতে সরগোল ফেলে দেওয়া ঘটনা সন্দেশখারীকে বারবার প্রচারের ইস্যু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর কি বলেছেন শুনব। हमारे एससी एसटी परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेश खाली में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है। यहां किसानों और उद्योगों का उन्नयन जरूरी है। इसके लिए आपको बैरकपुर से अर्जुन सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना है। कमल छाप पर पड़ा आपका हर वोट सीधा मोदी को पड़ेगा। সঙ্গে রাখুন আজ তক বাংলাকে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।